हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, आज के ये इस लाइव पर मैं आप लोगों को एक सैड वाली न्यूज़ देने वाली हूँ फॉर और रियाज फैंस, और एक जो है आप लोगों को एक गुड न्यूज़ नहीं मिलेगा, बस और बस एक ही मैं आप लोगों को एक अपडेट देने वाली हूँ। हमारे रियाज के साथ चीटिंग हुई है, हमारे रियाज को धोखा दिया गया है। सारे के सारे जो जिन लोगों ने धोखा दिया है वो लोग अभी आराम से मज़े से घूम रहे फिर रहे। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के जो मैं बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के वोट्स की। सो गाइस, हमारे शुभम जॉन सीजन 2 को भी वैसे ही धोखा ही मिला है, और चीटर्स अभी जो है आराम से घूम रहे हैं। हमारे रियाज के साथ चीटिंग की गई है। सो गाइस, आज का इस लाइव के आप लोगों को फुल एंड तक बने रहे। सो गाइस, थोड़ा सा रुक जाओ, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस, यही बस टॉपिक थे। सो हमारे रियाज को जो ना धोखा ही मिला है, क्योंकि हर बार हमारे रियाज को ही धोखा मिलता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बताओ गाइस, ऐसा क्यों। और जो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना, लाइव चैट में जाके जो भी आपको लिखना है लिख दो। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ रहे ना, मैं बता दूँगी इस क्वेश्चन का आंसर अगले लाइव पर। सो गाइस, चलो किसी का इंतज़ार नहीं करना है ज़्यादा देर, चलो इस लाइव को स्टार्ट कर लेते हैं, अपडेट स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सैड न्यूज़ पहले स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी। सो दो अपडेट देने वाली थी, सो चलो फर्स्ट अपडेट स्टार्ट करते हैं। सो सैड न्यूज़, सो हमारा रियाज जो है डिज़र्व करता था, एग्जैक्टली डिज़र्व करता था ना, हमारे रियाज के वोट्स डिलीट किए गए। सो ये हुई चीटिंग, पहली बात ये तो हुई चीटिंग हमारे रियाज के साथ। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में हमारा रियाज डिज़र्व करता था, और जोड़ी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है उसको ही मिलना चाहिए था। हाँ भाई, आप लोग जो है सैड हो गई होगी, आप लोगों को पता हो। सो गाइस, कौन जीता है, कौन जीता है जोड़ी, मतलब जोड़ी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसने लिया। सो गाइस, राधा कृष्ण जोड़ी, राधा कृष्ण जोड़ी की शो जो है ना, शो तो ऑफर हो चुकी है। हमारे रियाज की शो जैसे IMMJ2 वो ऑफर हो चुकी है, वैसे राधा कृष्ण जोड़ी की भी जो शो है वो कब की ऑफर हो चुकी है। बट जोड़ी की पॉपुलरिटी भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पॉपुलर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो है एक डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन है, और इसमें जो है तीन ही जोड़ी जो है मतलब टक्कर में है, एकदम टक्कर में है रियाज के साथ। सो फर्स्ट तो रियाज, उसके बाद सेकेंड राधा कृष्ण जोड़ी, क्या थर्ड में नागिन 5 की जोड़ी, वानी की जोड़ी। जो अब आप लोग देख सकते हो तीन जोड़ी थी, अब तीन जोड़ी क्या विनर होगी, विन होगी नहीं होगी, सो एक ही जोड़ी होगी। सो हमारा रियांशु वो डिज़र्व करता था, बट उसको नहीं हो, और हद से ज़्यादा वोट्स डिलेट होने लग गए। बट हम लोग क्या कर सकते। सो ये हुई ना सैड वाली न्यूज़। और गाइस, चलो अब जो है ना सेकेंड अपडेट स्टार्ट, फिर आप लोगों को जो है बोलूँगी। सो गाइस, सेकेंड अपडेट स्टार्ट करते, हमारा रियांशु डिज़र्व करता बट उसको नहीं मिला। सो अभी सारे के सारे फैंस ने सेकेंड अपडेट कर लिया, तो उससे सारे के सारे फैंस जो है ना सैड हो चुके हैं, गुस्सा भी हो रहा है, और बोल रहे हैं कि चलो आदित्य खुराना को ट्रोल करें। सो भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है, सो ऐसा आप लोग कुछ भी मत करो, क्योंकि आदित्य खुराना जो है ना वो वोट करवा रहे हैं, वो होस्ट है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के, वो वोट होस्ट है, ना कि कुछ वो उन्होंने कोई रिजल्ट को ये नहीं किया है जिसको उधर दो, इसको उधर दो, इसको उधर दो, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने नहीं किया है। मैं आप लोगों को फर्स्ट ये बात बोल दी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ये बात जो है ना ध्यान में रखो। ट्रोल करके कुछ नहीं होगा भाई, ट्रोल करके दूसरे जो जैसे राधा कृष्ण जोड़ी तो जीती है, उन लोगों के फैंस क्या बोलेंगे, हंसेंगे नहीं। तो रियाज के फैंस कैसे कर रहे हैं, देखो आदित्य खुराना को ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा हंसेंगे तो हमारे रियाज की उस टाइम जो है ना रियाज की इंसल्ट होगी, हम लोग को अच्छा लगेगा। वो लोग ऐसे फैन पेजेस में लिखेंगे, हम लोग अगर लिखेंगे ट्रोल करो आदित्य खुराना, हम लोग ऐसे पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, चलो डाल दिया, फिर वो लोग जो है ना देख के कमेंट करेंगे कि अपनी जोड़ी हार गई तो उसको उसके लिए आदित्य खुराना को ट्रोल कर रहे हो, ऐसा वो लोग लिखेंगे, तो हम लोग को अच्छा लगेगा देख के। तो आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और इश्क मामा जाऊँ सीज़न 2 नहीं जीता है, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। फाइनली इश्क मामा जाऊँ जो इश्क मामा जाऊँ सीज़न 2 हम मैंने से आप लोगों को कहा था बेस्ट शो ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इश्कमजा सीज़न 2 लेगा, बट इश्कमजा सीज़न 2 डिजर्व ही करता था बट उसको नहीं दिया गया। अनुपमा शो, अनुपमा शो आप लोगों को जैसे पता होगा स्टार प्लस पे आता है शायद, मतलब मैं उतना वो सब शो को नहीं देखती हूँ, बट थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन रखनी ही चाहिए, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखा है। सो वो शो को अवार्ड मिला है। सो गाइस, वो शो मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं ये जो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का जो भी मतलब रिजल्ट निकाला गया ना, ये वोट से नहीं हुआ है, वोट जैसे अभी आप लोग इसमें जाओ सीज़न 2 को लेके और अनुपमा शो को लेके देखिए। तो जो जो इश्क मामा जाऊँ सीज़न 2 को जो है ना वोट ज़्यादा से ज़्यादा गए, मतलब हमारे इश्क मामा जाऊँ सीज़न 2 को 90% वोट गए हैं, और जो अनुपमा शो है उसको जो है
उसको जो है मतलब 10% वोट गए, बट गाइस उसको उसको अवार्ड नहीं मिलने का था, हमारे इश्मा मजाओं को मिलने का था, बट वोट किसी ने देखा? देखा क्या? नहीं देखा ना। अब अगर आप लोग मुझे अगर 1000 2000 मतलब जितना भी वोट देखो, तब मैं यकीन करूँगी कि अनुपमा शो सच में ही लायक का था, जीतने का लायक का था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता होगा जो हम लोग सोचते थे कि राहुल जी और हेलिशा हार जाएंगे, हम लोग बहुत सोचते, हम लोग कैसा बेताब होते थे, बेचैन होते थे, राहुल जी और हेलिशा हार जाएंगे, मतलब विन नहीं होंगे तो हम लोग को क्या होगा। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो गाइस आप लोग खुद ही सोचो, अगर सारे के सारे अवार्ड्स अगर हमारे इश्कमन जाओं को मिल जाएंगे, राहुल से हेलिशा को मिल जाएंगे या आश को मिल जाएगा, सो दूसरे फैंस क्या करेंगे। सो हाँ ये बात ठीक है, ये भी मैंने बात ठीक ही कही। और गाइस और एक भी बात, चीटिंग क्यों कही? हम लोग सोचते कि रियांश जोड़ी अपने आप ही काम कर लेगा, मतलब अपने आप ही जीत जाएगा, बट राहुल से हेलिशा जीत नहीं भी पा सकते, मतलब जीत नहीं भी सकते, बट वो लोग भी हो जीत गए। तो हमारे हेलिशा को भी अवार्ड मिल गया, राहुल जी का अवार्ड मिल गया, बट हमारे इश्कमन जो सीजन 2 को क्यों नहीं मिला? और गाइस आप लोग को एक बात बता दो, अनुपमा शो को ना वोट्स एक बिल्कुल भी नहीं गए थे भाई, बिल्कुल भी नहीं गए थे, जितना जाने चाहिए थे उसको नहीं गए थे। बट आप लोग को एक बात बता दूँ, एक इंपॉर्टेंट वाली जो चीटिंग की गई है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स वालों ने ही की है ये चीटिंग। वो चीटिंग ये है कि वोट्स अभी पहले से ना ये वो एकदम फिक्स करके रखा जाता है, जो इसी शो को ही दिया जाए। वोट करने का क्या फ़ायदा है? इसको वोट करो, उसको वोट करो, अपना टाइम निकालो, टाइम वेस्ट करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अनुपमा शो को ही चला गया, क्योंकि अनुपमा शो पॉपुलरिटी अच्छी है, बट गाइस आप लोग देख सकते हो उसका वोट्स ज़्यादा नहीं आए थे यार, गाइस नहीं आए थे, मैंने खुद ही देखा था। मैं तो हर दिन चेक करती थी कि कितना वोट जा रहा है, यूट्यूब पर तो शो के वोट और जोड़ी के वोट नहीं हुए थे, बट इस पर तो होते थे ना, जो मतलब जो इंस्टाग्राम में वहाँ पर होता था। सो वहाँ पर मैं हर दिन ये चेक कर चेकआउट करती थी कि कितना वोट जा रहा है किसको। सो देखती थी अनुपमा शो का ज़्यादा नहीं जाता है, बट अनुपमा शो को कैसे मिला? सो ये हुई ना चीटिंग, वो और ये चीटिंग ना रियांश जोड़ी के साथ भी चीटिंग हुई है, बट रियांश जोड़ी के जोड़ी के वोट से हद से ज़्यादा यार, हद से ज़्यादा डिलेट। हम लोग आराम से वोट करते जा रहे, वो लोग आराम से डिलेट करते जा रहे, तो क्या फ़ायदा वोट करने का, क्या फ़ायदा डिलेट करने का? सो उन लोग को फ़ायदा हुआ कि वो लोग की कोई जोड़ी जीत जाएगी रियांश को छोड़ के। तो गाइस ये सब करवाने का क्या फ़ायदा है कि वो मुझको नहीं पता, या फिर कौन करवा रहा है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और आदित्य खुराना को ट्रोल करके हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, यही था बस सैड न्यूज़। तो गाइस यही था बस न्यूज़, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और हमारे रियांश के साथ एकदम पक्की वाली चीटिंग हुई है, हमारे रियांश के साथ तो थोड़ी सी हुई है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट्स डिलीट किए गए हैं, और हमारे इश्कमन में जो सीजन 2 के साथ तो बहुत बड़ी धोखा हुआ है, बहुत बड़ा सा चीटिंग हुआ है। हम लोग को जो ना ये सब चीज़ें जो है हम लोग को, और आप लोगों को पता होगा अभी तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का जो अवार्ड है वो हमारे हाथ से निकल गया, मतलब रियांश को नहीं मिला। तो ये सब और एक अवार्ड है इंटरनेशनल गोल्ड, मतलब आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड जो भी जीतता है तो उसका तो बस पक्की लगा लो, पक्की लगा लो आप लोग अगर जीत गया रियांश। हम लोग जो है ना अगर हम लोग ट्रोल करने में अभी लग जाएंगे तो बस हो गया, ट्रोल करने में अभी लग जाएंगे तो हम लोग वोट कब करेंगे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में? तो हम लोग को आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में भी जो है वोट करना है हमारे रियाज को, हमारे इश्कमनजाओं को। और हम लोग अगर अभी ट्रोल में बिजी हो जाएंगे तो दूसरे लोग अपनी जोड़ी को फिर से जो है वैसे ही चीटिंग वीटिंग करके कर लेंगे, अपनी जोड़ी को फिर से अवार्ड दिलवा देंगे। बट हम लोग इस बार जो है ना हारना नहीं, अगर हम लोग इस बार भी हारेंगे तो लोग बोलेंगे शो ऑफियर हो गया, पॉपुलरिटी है वैसी की वैसी, बट शो की जो फैंस है वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बकवास बकवास चीज़ों में मन लगा रहे। सो ऐसा लोग बोलेंगे, सो अच्छा नहीं लगेगा सारे के सारे फैंस को जो है यही चीज़ करनी है। अभी आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के रिलेटेड मैं जो है वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को देखना है उस वीडियो को। आप लोग तो मेरा वीडियो ही नहीं देखते तो कहाँ से बनाऊँ, ज़्यादा मैं इनका वीडियो नहीं, 2 या फिर 3 मिनट ही होगा, क्योंकि ज़्यादा बकवास तो नहीं कर सकते ना ऐसे वीडियोज़ पर। सो गाइस लाइफ का ना डिपेंड होता है, आप लोग को बता दिया कि आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड आने वाला है, उसमें भी हम लोग को वोट करना है। सो उसका रिलेटेड भी मैं जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कब बनाऊँ ये तो नहीं, अपडेट आए फिर बनाऊंगी, ठीक है। सो आप लोग जो इस वीडियो का, इस लाइव का ये पे एंड होता है, अगले लाइव पे मिलते हैं, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।